गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए याद करें इन सब वर्ड्स को। चलिए, तो पहला है हमारे सामने अबेट। अबेट का मतलब होता है कम करना। तब इसको याद कैसे करेंगे? अबेट से बना लो अब वेट। आपका जो वेट है ना वो ज्यादा हो रहा है, उसको थोड़ा कम कर लो। इतना याद हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास जो इसका एंटोनिम है, यानी कि ऑपोजिट भी बोल सकते हो, क्या है? एग्रोवेट। इसका मतलब होता है और बढ़ा देना। तो आप बोलो कि अगर वेट ज्यादा किया तुमने, काम नहीं किया, तो ध्यान रखना और ज्यादा बढ़ जाएगा। एग्रोवेट हो जाएगा। एग्रोवेट मीन्स और बढ़ा देना। याद हो गया। चलिए नेक्स्ट है, देखिए हमारे सामने अब्सकॉन्ड। अब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है? फरार होना। आपकी मम्मी ने एक दिन बोला कि हाँ अब से कंडे कौन थापेगा, उसी वक्त तुम फरार। पूछते ही फरार, ठीक है? अब्सकॉन्ड फरार होना हो गया। अब नेक्स्ट देखिए हमारे सामने क्या है यहाँ पर। रिमेन माने टिकना। बस रिया वही टिकी रही, सिर्फ मम्मी ने उसे ये पकड़ लिया, आजा बेटा। रिया बोली अब मैं ही, मुझे कोई रिमेन, रिया ही बची, बोली अब मैं ही करूंगी और कौन करेगा। रिमेन, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे सामने बेबल। बेबल मीन्स होता है शोर। कभी कभी होता है ना कि बाप बैल चुप करा, पूरे दिन साहन की था बोलता रहता है, ठीक है? याद हो जाएगा। बेबल मीन्स शोर, और इसका शांत क्वालिटी तो याद हो जाएगा। सिंपल इजी है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लिटल। ब्लिटल मीन्स होता है छोटा महसूस कराना। बी जानते हो, बी मक्खी, मधुमक्खी, और लिटल माने छोटा। उसे कभी छोटा महसूस मत कराना, क्योंकि अगर उसने तुम्हारे कुछ मार दिया ना तो तुम बड़े हो जाओगे। सुझा देती है आगे, तो बिलिटल छोटा महसूस कराना। ओके, इसका नेक्स्ट देखिए क्या है। एक्सटोल मीन्स प्रशंसा करना। कैसे याद करोगे एक्सटोल को? कुछ याद आ रहा है? एक्सटोल, एक स्टोल, एक, हाँ एक स्टॉल। स्टॉल जानते हो? एक स्टॉल। अच्छा, किसी की भी स्टॉल आपने देखा होगा, जो जिसकी स्टॉल होती है, दुकान होती है, वो बहुत प्रशंसा करता है अपनी दुकान की, ठीक है? लेकिन इसको जोड़ेंगे कैसे इससे, बताइए? हाँ, बी की छोटी सी एक दुकान थी, बी लिटल, बी की एक छोटी सी दुकान थी, और बस वो तो हाँ बिल्कुल अपनी पढ़ाई करती थी, ऐसे आप याद कर सकते हो। याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कार्नल। कार्नल मीन्स होता है शारीरिक। अगर आपकी कार नाले में गिर जाए तो तुम भी गिरे साथ में, तो शारीरिक ताकत चाहिए ना निकालने के लिए, ठीक है? क्लियर? हाँ, आगे देखिए। ये शारीरिक हो गया, ये स्पिरिचुअल आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक की तो जरूरत है नहीं है हमें, स्पिरिचुअल की तो जरूरत नहीं है भाई। कार निकालने के लिए नाले में से क्या करना पड़ेगा आपको? नहीं नहीं आपकी शारीरिक ताकत होनी चाहिए। तो देखिए कार्नल से शारीरिक और स्पिरिचुअल से आध्यात्मिक, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे सामने चिकन हार्टेड मीन्स डरपोक। अब देखिए चिकन हार्टेड जानते हो ना, चिकन होता है छोटा सा बच्चा होता है मुर्गी का, उसका दिल कैसा होगा? डरपोक सही तो होता है। चिकन हार्टेड सुनते ही पता चलता है जो डरपोक होता है। चिकन हार्टेड हो गया, ठीक है? इसका करेजियस, ये तो याद हो जाएगा। इसको कुछ करना है, करेजियस याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए डार्कन। डार्कन भी होता है अंधेरा छा जाना। डार्कन से बना लो डार्कन। डाकू की डार्कन होती है ना, वो तभी आती है जब अंधेरा छा जाता है, दिन में तो निकलते ही नहीं है वो लोग, ठीक है? हो गया डाकन, ठीक है? अंधेरा छा जाना। और इसका देखिए इल्यूमिनेटेड, प्रकाशित। इल्यूमिनेटेड से कैसे बनाओगे? इलू, इलू नाम की लड़की थी। ओके, हाँ ओके, नहीं फिर उसको प्रकाशित करना पड़ेगा ना। अरे कुछ इन्वर्टर भी आता ना, इल्यूमिनेट कुछ ऐसे करके इन्वर्टर भी आता है कुछ, इल्यूमिनस आता है, इल्यूमिनस, यस एग्जैक्टली। तो उससे बना दो इन्वर्टर, तुमने लगवा लिया कि डाकन जैसी अंधेरे में आएगी मैं ल्यूमिनस का इन्वर्टर चालू कर दूंगा, याद हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। तो डाकन अंधेरा छा जाना, इसका एंटोनिम हमारे सामने इल्यूमिनेटेड हो जाएगा बच्चे। यार नेक्स्ट है हमारे सामने डेसीमेट। देखिए बच्चों डेसीमेट मीन्स बर्बाद करना। तो डेसीमेट से बना दो, देसी मिट्टी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है? देसी मिट्टी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब देखिए आगे देखिए, उसको तो प्रिजर्व करके रखना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। प्रिजर्व जानते हो ना, संभाल कर रखना, रक्षा करना, प्रिजर्व, याद हो जाएगा। देसी मेट बर्बाद करना और ओके। नेक्स्ट है हमारे सामने इम्बार्क। इम्बार्क में शुरू करना, आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोग जो बार्क भोंगना शुरू करते हैं ना, तो फिनिशिंग नहीं कर पाते, खत्म ही नहीं कर पाते। एक बार बार्क कहते ना, ये भोंकना शुरू करता है, चुप ही नहीं होता, फिनिशिंग नहीं होता उनका। एम बार्क हो जाएगा, बताओ। एक बार एम बार्क
शुरू करना, फिनिश, खत्म करना, याद हो गया? Yes, चलिए नेक्स्ट देखिए, इनडोर्स। इनडोर्स मतलब होता है समर्थन करना, सपोर्ट करना, इनडोर्स। तो देखिए आपने बोला कि, देखिए आपकी मम्मी ने बोला कि यहाँ पे डोर्स लगवाने हैं, तो मैंने ये वाले डोर्स खरीदे हैं, तो इनडोर्स का कौन समर्थन करता है, यानी कौन सपोर्ट में, ये वाले डोर्स। तो सब लोग समर्थन में थे, लेकिन रिया ने अनाउंस करा मैं नहीं हूं। रेअनाउंस, रीअनाउंस मींस अस्वीकार करना। उसने मना कर दिया, उसने अस्वीकार कर दिया, तो मम्मी ने भी बोल दिया कि ठीक है इन्हीं दरवाजों से तुम बाहर निकल जाओ। याद हो जाएगा, क्लियर? इनडोर्स, रीअनाउंस, एक बार इनको देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, टेक योर टाइम। यस बच्चों, याद हो गया आप लोगों को? yes, अब क्या करना है आपको? रिवीजन, और नोटबुक में उतारने हैं। okay, जितना हो सके रिवीजन जरूर करना। ओके, ऑल द बेस्ट।